दोस्तों बुलंद संदेश न्यूज में आपका इस्तकबाल है, जुड़े रहिए। अब सियासी रोटी सेकनी शुरू कर दी है, सियासी नेताओं की पोल खुलनी शुरू हो गई है। बहरहाल कुछ भी है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो बिल पास किया गया था वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कांग्रेस पार्टी और सभी दल जो थे वे सब वॉकआउट हो गए थे, यानी के सांसद और लोकसभा से बाहर हो गए थे और कह दिया था जैसा मर्जी करें नमक मिर्च डाल करके आप पास कर लीजिए। लेकिन बाहर आकर शोर शराबा कर रहे हैं। आइए देखिए बुलंद संदेश न्यूज पर क्या कहते हैं समाजवादी के नेता। आपको बता दें कि ये पार्टियां मुस्लिम हिमायत में नहीं बल्कि मुस्लिम विरोध में हैं। ये बल्कि चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो और मुसलमानों को निशाना बनाकर मुसलमानों को सामने रख करके सियासी रोटी सेक रहे हैं। आइए देखिए बुलंद संदेश में, जहां पर बिल पास होता है वहां पर मुसलमानों के विरोध में बिल पास कराया इन पर नेताओं ने, वहां पर कोई नहीं बोला। देखते रहिए बुलंद संदेश में क्या है। समस्याएं और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर होना था। आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम समाजवादी पार्टियों को आना नहीं दिया और हजारों हमारे साथियों को आउटर पे रोक लिया गया है और उनके घरों पे उनको कैद कर लिया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये जो सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, भय का माहौल बना रही है, समाजवादी पार्टी से किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और कर रहे हैं।